रोशनी का हुआ मेकओवर। कैसे चमका चेहरा, कैसे बदले बाल, कैसे बदले कपड़े। भाई ये सब कमाल हो रहा है स्वीटी और रोशनी वालिया के साथ, जो पहुंच गई है अमृतसर पंजाब। यहाँ पर निखिल गिल ने किया उनका मेकअप, आशीष ने बनाए उनके बाल, और इसके बाद उन्होंने पहने गुल्लू एक्सक्लूसिव के कपड़े, और फिर हो गया उनका मेकओवर। इसके बाद दीपक गिल के कैमरे ने इनके इस ग्लैमरस लुक में तरह तरह की तस्वीरें ली। रोशनी वालिया सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है और बचपन से ही अभिनय कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनका एक अलग पिंक पिंक अंदाज देखने को मिला। उनकी मम्मी स्वीटी वालिया, जिन्हें आप बहू हमारी रजनीकांत और ये है मोहब्बतें जैसे शोज में देख चुके हैं, उनका भी एक अतरंगा अंदाज हमें पंजाब में देखने को मिला। तो चलिए सुनते हैं इनके मेकओवर की कहानी स्वीटी और रोशनी की जुबानी। सबसे पहले हमें मिली स्वीटी वालिया, जो मुंबई से अमृतसर का सफर तय करके थक चुकी थी, इसलिए इन्हें मेकओवर की सख्त जरूरत है। हेलो, मैं स्वीटी वालिया, सास बहू बेटियां के साथ, और गेस मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ पंजाब में अमृतसर में, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। सुबह से तो मैं इतना घूम रही हूँ, 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, इतनी गर्मी। हमारे मुंबई में तो बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, बट आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं हरमंदिर साहब के दर्शन करने वाली हूँ, गोल्डन टेम्पल के, और मैं सबकी सुख शांति के लिए वहाँ पे प्रेयर करने वाली हूँ कि सब लोग वापस हैप्पी हो जाएं। तो देखते हैं कि आज गुल्लू एक्सक्लूसिव ने मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा है। तो देखते हैं क्या है सरप्राइज। वाओ, यहाँ पे तो काफी सारी तैयारियां है, और माय गॉड, काफी सारे सरप्राइज है मेरे लिए। चलो चलो देखते हैं। बड़ा कुछ नजर आ रहा है। हेलो गाइस, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो ये निखिल है, और निखिल आप क्या करने जा रहे हो? आज हम लोग इनका मेकओवर करने जा रहे हैं, एंड क्यों नहीं, पंजाब में आए हो तो पंजाब में रंग में आपको रंगते हैं। ओहो, पहले हमें इस रंग में तो रंग दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा करने जा रहे हैं शूट में। सो वाह, मेरा क्या मेकओवर भी होने वाला है, मेरे बाल भी होने वाले हैं, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, और थोड़ी देर बाद देखिए टर्न हैंग। तो भाई स्वीटी वालिया का मेकओवर करने के लिए यहाँ पर निखिल गिल और आशीष की टीम मौजूद है, जो उनके बालों को संवारेगी, उनके चेहरे को निखारेगी और करेगी उनका मेकओवर। तो चलिए भाई, मेकओवर टीम जुट गई स्वीटी वालिया का रंग रूप बदलने में। सबसे पहले चेहरे को साफ किया गया, फिर लगाया गया प्राइमर और फाउंडेशन, उसके बाद आँखों का मेकअप शुरू हुआ और बदलने लगा स्वीटी का चेहरा।
बाद आशीष ने अपने हेयर स्टाइलिंग का कमाल दिखाया और बालों पर कमाल शुरू हो गया। अमृत अमृतसर में टैलेंट भर भर के, आफ्टर ऑल पंजाबी है, पंजाबी जितने भी जानते हैं रॉक शॉक कर दे जी। निखिल, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मेकअप मेकओवर करते हुए। एंड आज इनके आउटफिट्स के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू गिव हर वेरी ब्रोंजी आईज एंड विद द डार्क लिप कलर, बिकॉज मम्मा हैं एंड यूथ है, यूथ देख के पागल नहीं होगा तो पंजाबियों का फिर काम ही क्या मेकओवर करने का। जनरली तो मैं बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कंसील शंसील, बस और कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए। डार्क सर्कल्स वैसे बता रही हूँ हैं डार्क सर्कल्स, बट बहुत अच्छे कवर किए निखिल ने। आई लाइक द वे ही इज़ डन माई मेकअप, बहुत अच्छा किया उन्होंने और बहुत लाइट है और बहुत फास्ट किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट केकी, मतलब केकी मेकअप कैसा होता है कि जब आपको बहुत थिकनेस फील होती है और ऐसे लगता है हंसोगे तो लाइंस आ जाएंगी, क्रैक्स पड़ेंगे, तो इनका मेकअप मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि इट इज़ नॉट केकी, बहुत ही स्मूद है और बहुत जल्दी हुआ है। सो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। अमृतसर के मुंडे ध्यान रखना। साजन, लाइक द वे शी कैरी हरसेल्फ, उन्होंने जैसे बताया कि उनके डार्क सर्कल्स हैं एंड नो वन यूज्ड टू टेल दिस थिंग यू नो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड आई लव द स्पिरिट द वे शी कैरी, एंड देखते हैं आगे कैसे मेकओवर होता है एंड मिलते हैं हम आपको सारा मेकओवर करने के। हमारे सास बहू बेटियों के माध्यम से आप जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, आप बस उनको ये बताइए कि वो थोड़ा सा घर में, मतलब इतना ऑब्वियसली एक्सपर्ट तो उनको सीखने में टाइम लगेगा आपसे, बट थोड़ा सा क्या करना है। जैसे अंडर आई है तो सबकी प्रॉब्लम है अंडर आईज़ की, यू नो मोस्ट ऑफ अस एवरीबडी हैज़ अंडर आई प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम जल्दी से क्या लगा सकें और ऊपर कितना बेस लगाना है, ओवर नहीं करना है। लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब अब बस हो जाए, वो बहुत ज़्यादा केकी लगता है जब हम लगाते रहते हैं लगाते रहते हैं, वहाँ हस्बैंड आवाज़ें दे रहा है पार्टी के लिए जाना है, बीवियाँ लगाई जा रही है, जब तक वो यहाँ से यहाँ तक नहीं हो जाता। अब ये देखो, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ इसमें कुछ भी नहीं है, सो आप ऐसे ही रखिए मिनिमलिस्टिक, सबसे कम, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं ना। वहाँ पर रोशनी वालिया भी ढूंढ रही हैं अपनी मम्मी को कि आखिर मेरी मम्मी कहाँ चली गई। और मम्मी का मेकओवर देख बेटी रोशनी का भी मन हुआ कि वो भी अपना मेकओवर करवा ले, इसीलिए वो भी अपनी मम्मी के साथ बैठ गई अपने हेयर और मेकअप के लिए। और देखिए आशीष ने अपने हेयर स्टाइलिंग के जादू से रोशनी को दिया एक नया और फ्रेश लुक। मेकअप के जादू से कैसे रोशनी के चेहरे की रोशनी ही बदल डाली। बाद माँ बेटी दोनों रेडी हैं।
बहुत जल्दी तैयार हो गई और बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अभी मैं फुल रेडी नहीं हुई हूँ, मेरा मेकअप पूरा फुल ख़त्म भी नहीं हुआ है, मुझे अभी भी लिपस्टिक लगानी है. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द लुक. और द क्वीन वो बहुत ही अच्छी लग रही है. आई थिंक मैं कॉम्पिटिशन हार गई जो मदर डॉटर का था, और मॉम क्लियरली जीत गई हैं. मॉम का लुक बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जा रही हैं और नॉमिनेटेड हैं और बहुत अच्छा सा अवार्ड जीत के आएंगी. जो क्या लिटरली लोग आर्ग्यूमेंट करते कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी मॉम है. एंड मैं उनके साथ फुली अग्री करती हूँ. लोग बुढ़े होते हैं या हमारी मॉम यंग होती जा रही हैं, बहुत जल्दी स्वीट 16 भी हो जाएंगी. ओ सॉरी, वो ऑलरेडी हैं. ठीक है, अगर मम्मा मेकओवर करा रही है तो मुझे भी कराना चाहिए, मैं क्यों पीछे रहूं? तो लेट्स सी ज़्यादा अच्छा कौन दिखता है. आई एम 100% श्योर कि मेरे बाल और मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छा होगा. मम्मा यू वेट एंड वॉच. सबसे पहले है स्वीटी वालिया की बारी. भाई भले ही ये दो बेटियों की मम्मी हो, लेकिन इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता. और इन्होंने पहन लिए हैं गुलू एक्सक्लूसिव के ये कपड़े और उसके बाद करवाया एक फोटोशूट. भाई गुलू एक्सक्लूसिव पर हर तरह के कपड़े हैं और स्वीटी देखिए इन कपड़ों को पहनकर कैसे इतरा रही है, डांस कर रही है और करा रही है अपना रॉकिंग फोटोशूट. और स्वीटी का फोटोशूट कर रहे हैं पंजाब के मशहूर फोटोग्राफर दीपक गिल. इसके बाद बारी थी रोशनी की. रोशनी भी पहुंची गुल्लू एक्सक्लूसिव की पिंक ड्रेस में कराने अपना फोटोशूट. और देखिए इस पिंक ड्रेस में बिल्कुल वो परी जैसी लग रही है. और इसके बाद शुरू हुआ रोशनी का फोटोशूट. इसके बाद बारी थी माँ बेटी के जॉइंट फोटोशूट की. भाई पहली बार माँ और बेटी गुल्लू एक्सक्लूसिव के कपड़ों में करा रही हैं अपना फोटोशूट. तो भाई इन्हीं से ही जानते हैं इन्हें अपना फोटोशूट करवा कर कैसा लगा. Thank you.
बहुत 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 अच्छा. और ये आई थिंक अभी पहली बार हो रहा है कि मैं और रोशनी साथ में तैयार होके साथ में शूट कर रहे हैं. अकेले अकेले तो बहुत सारे करते हैं, बट दोनों का एक साथ, दिस इज़ वेरी 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 नाइस. सो बहुत मैं हुस्न परी मैं सबसे जवान सौंदर्य साबुत. सो आई एम एंजॉइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप आप लोग भी सब इंजॉय कर रहे होंगे. वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया और बहुत बहुत टाइम बाद हमने साथ में किया है. आई थिंक लास्ट आईटा था जब मेरी और मॉम की प्रॉपरली कोई अच्छी फ़ोटो आई थी. तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि अब मेरे पास और खूब सारी फ़ोटोज़ होंगी मम्मी को अगले बर्थडे पे विश करने के लिए. देखो मतलब सिर्फ बर्थडे पे ही मेरी फ़ोटो मेरे साथ लगाएगी और मैं हर रोज़ लगाऊंगी. वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया, वी रियली एंजॉयड. यप, अमृतसर को यही कहूँगी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड पूरा एक्सप्लोर करने के लिए. अभी तक हमें अच्छे से टाइम नहीं मिला, पर अब हम अच्छे से घूमेंगे और खूब खूब सारी चीज़ें देखेंगे और खूब खाना खाएंगे. लाइक लिटरली खूब खाना खाएंगे, खूब 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 खाना खाएंगे, खूब सारा, और दर्शन करेंगे. वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह. तो कुछ इस तरह थी स्वीटी और रोशनी वालिया की पंजाब यात्रा. उन्होंने पंजाब के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट निखिल गिल के मेकअप का अंदाज देखा, आशीष के हेयर स्टाइलिंग का अंदाज देखा और पहने ग्लू एक्सक्लूसिव के कपड़े. और उसके बाद दीपक ने अपने कैमरे में इन सब लम्हों को कैद किया जो आपके लिए समेट कर लाया है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां. आज तक ब्यूरो.